हाय, मेरा नाम है अंकन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्ट बीन। तो आज हम सीखेंगे वाटर कलर से पहली बार ट्री कैसे बनाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये टेक्निक आसान होगा बिगिनर्स के लिए। मैं भी शुरू में यही टेक्निक यूज करता था, अभी भी करता हूँ। इस टेक्निक को करना बहुत ही आसान है, चलिए शुरू करते हैं। वाटर कलर शुरू करने से पहले आपको पैलेट और ब्रश साफ रखना है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट टोन को गीला करके ही खत्म करूंगा, क्योंकि कलर सूख जाने से एक ब्रशिंग स्ट्रोक दिखाई देता है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कलर के ऊपर और एक कलर देके उसको मार्च करके पूरा नीचे आ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऊपर में लेमन येलो का यूज किया है और नीचे लेमन येलो और सैफ ग्रीन का एक मिक्सर लगाया है। उसके नीचे सैफ ग्रीन और वेरिडियन ग्रीन का एक मिक्सअप लगाया है और उसके बाद सैफ ग्रीन, वेरिडियन ग्रीन और कोबल्ट ब्लू का एक मिक्सअप पूरा नीचे लगाया है। यहाँ पर मैं येलो ऑकर और ब्राउन सियना मिक्सअप करके लगाऊंगा। तो ये कलर करते समय आपके ऊपर वाला कलर नीचे आने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एक नेचुरल इफेक्ट ही हो जाएगा। इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो उसी फास्ट टोन को गीला रखते ही आपको डार्क टोन ब्राउन सियना को थोड़ा साइड वाले में, जिधर जिधर डार्क पोर्शन है उधर आपको दे देना है। इसलिए आपका कोई एक ब्रश टोन नहीं रहेगा, एक सॉफ्टनेस मिलेगा जो कि आपके पेंटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे लगता है ये टेक्निक बिगिनर्स को बहुत ही हेल्प करेगा। तो और भी सारे टेक्निक होते हैं, मैं इससे भी फास्ट ट्री बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बहुत ही आसानी से। उसके बाद बेस टोन के ऊपर उससे थोड़ा डार्क करके पत्ते का कैरेक्टर निकाल देना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको और थोड़ा डार्क बढ़ाना है, ज्यादा डार्क नहीं बढ़ाएंगे, ज्यादा डार्क बढ़ाने से पेंटिंग बहुत हार्ड हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, पेंटिंग को हार्ड नहीं करना है, आपको सॉफ्ट कलर यूज करना है। सॉफ्ट मतलब कलर को थोड़ा पतला करके लगाना है, अब ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। वाटर कलर करते समय आपको ध्यान देना है, पेंटिंग को हार्ड नहीं करना है, जितना चाहे आप सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड नहीं करना। एक बार में किसी का भी नहीं होता, तो आप गलती करिए, गलती करके सीखिए। जो बोलता है जे मैं गलती नहीं करता, मैं पहली बार में ही सीख गया, वो गलत है। आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे।
तो ऐसे ही वाटर कलर ट्री करने के लिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है, तो प्रैक्टिस से ही आपका काम और भी इम्प्रूव हो सकता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका काम उतना ही इम्प्रूव होगा। तो ये था आज के लिए कुछ टिप्स, नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्री बनाने की टेक्निक सीखेंगे।